तो यार आज का जो वीडियो है उसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पर जैसा कि आपको पता ही होगा कि डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, पर कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीजन क्या पता है? आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा कि मैं एक घर बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि कम से कम 1400 square feet का है, ठीक है। तो कल उसी का मैं ढलाई किया, छत जो है उसको मैं ढलाई किया, इसलिए दोस्तों मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा यार बारिश हो रहा था, इस वजह से मैं ब्लॉग भी अच्छे से शूट नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो जो इसलिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। तो आज दोस्तों जो मैं आपको वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ, अभी मेरे यहाँ पे तो वही बारिश का सीज़न, मतलब बारिश गिर रहा है, कभी छूट जा रहा है, तो आसमान में पूरा बादल छाया हुआ है। तो गाइस आज का जो वीडियो थोड़ा मतलब रिप्लेसमेंट वाला है। अगर आप यहाँ पे इस वाले वीडियो को देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे देख पा रही, इस साइड में मैं यहाँ पे नॉर्मल वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, और उसी साइड में गाइस आप दूसरे साइड में आप देख पा रही यहाँ पे जो मेरा स्काई यहाँ पे चेंज आपको दिख रहा होगा। तो आप भी अगर अपने वीडियो का कुछ इसी तरह से एडिटिंग करना चाहते हो तो आज के इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। मैं दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आज इसी तरह का जो वीडियो आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नहीं हो तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी गाइस बिना के चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूं, देन आपको वहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको अपना जो स्काई उसको आपको रिप्लेसमेंट करना है। साथियों इस तरह का वीडियो को एडिट करने के लिए आज मैं दो ऐप का यूज करने वाला हूं। पहला जो ऐप है वो है VN ऐप, दूसरा एलाइट मोशन। अगर आपके फोन में ये दो ऐप पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों ऐप का लिंक देके रखा है, आप वहां से दोस्तों इन दोनों ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर VN ऐप को ओपन करना है। जब गाइस आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएंगे। अभी आपको नीचे में यहाँ पर एक प्लस का मार्क दिख रहा होगा, आपको इस वाले प्लस के मार्क पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार के आपके सामने ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं साथियों मेरे गैलरी में जितने सारे वीडियो हैं वो आपको यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों जो वीडियो आप शूट किए हैं उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर लेना होगा। देख सकते हैं साथियों मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मेरा जो वीडियो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आपको अपने वीडियो के लास्ट में जाना होगा, जाकर ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है आप इसको पहले डिलीट कर दीजिएगा। अगर आप इसको डिलीट करना भूलोगे ना तो आपके वीडियो के एंडिंग में चिपका रहेगा। अभी अगर मैं अपना वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो गाइस वीडियो आप यहां पे देख पा रहे हो पूरा जो स्काई आपको व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। आपको इस वाले स्काई को मैं आपको यहां पे चेंज करके दिखाने वाला हूं। तो यार सबसे पहले आपको करना बस इतना ही है, आपको इस वाले वीडियो को हल्का स्लो मोशन में बनाएगा, इससे गाइस आपका जो वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, देन रेगुलर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इतना इसको घटा दीजिएगा। देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर इतना घटा दिया हूँ। देन गाइस मैं यहाँ पर अगर वीडियो को प्ले करूँगा तो वीडियो गाइस अभी स्लो मोशन में हो चुका है, देख सकते हैं। अभी आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आ जाना होगा। आने के बाद अभी आपको अपने वीडियो में थोड़ा कलर ग्रेडियंस करना है। उसके लिए आपको नीचे में देख पा रहे फिल्टर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे मेरे यहाँ पर देख पर इफेक्ट, इफेक्ट टू, इफेक्ट थ्री, इफेक्ट फोर, इफेक्ट फाइव, आपको यहाँ पर पांच आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर दिखेगा कितना से पता A1 से आपको दिखेगा। अगर आपको भी अपने VN ऐप के अंदर ये जो फिल्टर है इफेक्ट वाले इसको अप्लाई करना है तो ऊपर आई बटन पर मैंने उस वाले वीडियो का लिंक देके रखा है, जिस वीडियो को देख के गाइस आप इन फिल्टर को अपने VN ऐप के अंदर ऐड कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे इफेक्ट फोर वाला जो ऑप्शन है इसको गाइस आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसको सिलेक्ट करोगे कुछ इस प्रकार से गाइस आप देख पा रहे हो जो वीडियो का कलर है मेरा यहाँ पे चेंज हो गया है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो पेड़ के कलर है और स्काई कलर यहाँ पे थोड़ा मैच हो जा रहा है, मतलब ग्रीन टाइप के स्काई में पहले व्हाइट थे यहाँ पर अभी ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। इसको अभी पूरा प्योर व्हाइट बनाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों फर्स्ट जो है एक्सपोजर, इसको गाइस आप यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप जिसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ देख पा रहे जो मेरा स्काई यहाँ पर पूरा प्योर व्हाइट हो रहा है, तो आप अपने वीडियो के रिगार्डिंग आप इसको इंक्रीज कर दीजिए। मैं यहाँ पे कम से कम इसको 50 कर देता हूँ। देख पा रहे यहाँ पर पूरा जो मेरा स्काई यहाँ पर मेरा व्हाइट हो चुका है। अभी मैं जाऊँगा थोड़ा यहाँ पे सैचुरेशन में जाऊँगा, ठीक है। सैचुरेशन में जाकर इसको मैं हल्का सा इंक्रीज कर दूंगा। जैसे मैं इसको इंक्रीज करूँगा ना देख पा रहे मेरे वीडियो के अंदर जो यहाँ पेड़ पौधे हैं इसमें चमक थोड़ा बढ़ गया है। अभी आपको यहाँ पर ओके कर लेना होगा। इस तरह से गाइस आपका जो वीडियो एडिटिंग के काम यहाँ पे हो चुका है। अभी गाइस आपको स्काई चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एलाइट मोशन को ओपन करना होगा। उससे पहले गाइस आप इस वाले वीडियो को सेव कीजिएगा। सेव करने के लिए आप इस वाले एक्सपर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, देन आपको यहाँ पर जिस भी एक्सपेक्ट रेशियो में आपको अपना वीडियो को एक्सपर्ट करने का मन करेगा आप यहाँ पर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वीडियो है मेरा यहाँ पे एक्सपर्ट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे एलाइट मोशन को ओपन करना होगा। जब दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएंगे।
अभी आपको इस वाले प्लस के मार्क पे क्लिक करना होगा। देख पा रही यहाँ पर कई सारे आपको एक्सपेक्ट रेशियो दिख रहा होगा, तो ये जो वीडियो गई 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो में मैंने बनाया है, तो इसी वाले एक्सपेक्ट रेशियो को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। देन मैं यहाँ पर जितना सेटिंग रखा हो आप भी उतना ही रखिएगा। देन क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं दोस्तों एलाइड मोशन का जो डेस्क है आपके सामने आ चुका है। अभी आपको इस वाले प्लस के मार्क पर क्लिक करना होगा। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह के आपके सामने ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको इमेज एंड वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और जो वीडियो गाइस आपने अभी अभी एक्सपर्ट किया हो वो वीडियो गाइस आपको यहाँ पर अभी दिखने लगेंगे। आपको उस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। करने के बाद साथ ही आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको आपको जूम करना है, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पर पहले यहाँ पर जाइएगा, ठीक है, यहाँ पर जाइएगा। जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पर आइएगा, देन इसको आप कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर दीजिएगा। जैसे आप इसको इंक्रीज़ करोगे कुछ इस तरह से आपका जो वीडियो यहाँ पर जूम हो जाएगा। करने के बाद साथ ही आपको यहाँ बाहर पर एक बार टैप करना होगा। अभी आपको इस वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने एक स्काई का वीडियो का लिंक दे के रखा है। आपको उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड कर लेने के बाद साथ ही आप यहाँ पर कुछ इस तरह से उस वाले स्काइप के वाले वीडियो को आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। देख सकते हैं साथियों जो स्काई वाला वीडियो उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अभी आपको इस वाले एरो में क्लिक करके कुछ इस तरह से लास्ट में जाना होगा। जाकर दोस्तों जितना आपका स्काई वाले वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा, नीचे वाला जो वीडियो इसका भी ड्यूरेशन को आपको इतना ही रखना है। देन बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट को गाइस आप यहाँ पे डिलीट करके हटा दीजिएगा। हटाने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आना होगा। आने के बाद गाइस अभी आपको स्काई वाला वीडियो में क्लिक करना है। देन कुछ इस तरह से जहाँ से आपका स्काई स्टार्ट हो रहा है उतना में आप यहाँ पे आइएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे वीडियो में यहाँ से स्काई स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना में यहाँ पर आऊँगा। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले फाइल पर क्लिक करना है। देन कुछ इसको पकड़ के आपको नीचे वाले यहाँ पर लेयर में ले आना होगा। देख पा रहे हो मेरा जो मेन वीडियो यहाँ पर ऊपर वाले में है, देन स्काई वाला वीडियो आपको यहाँ पर नीचे वाले लेयर में दिख रहा होगा। अभी आपका जो मेन वाला वीडियो इसका आपको कोरमाकी को मतलब स्काई को आपको यहाँ पर रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप फाइल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आपको इस पर क्लिक करते हो आपको नीचे में यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करके नीचे में आप यहाँ पे देख पाओ एड इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर गाइस मार्क्स एंड की वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोरमाकी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को आप यहाँ पर ऑन कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कोरमाकी का जो सारा इंटरफेस यहाँ पर आ चुका है। अभी आपको यहाँ पर देख पर ग्रीन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस आपको व्हाइट कलर सिलेक्शन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर व्हाइट कलर सिलेक्शन करोगे ना, देख सकते हैं जो पीछे का स्काई है मेरा यहाँ पर दिख रहा है। अभी गाइस मैं अपने वीडियो के हिसाब से थोड़ा बहुत इसको मैं कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है। आपको ये अपने वीडियो के हिसाब से इसको इंक्रीज़ कर देना है। अगर आपके वीडियो में अगर यहाँ पे व्हाइट व्हाइट थोड़ा दाग दिखेगा तो आप इसको इंक्रीज़ करिएगा, वरना इसको इंक्रीज़ करने का जरूरत नहीं है। देन जो फेदर है गाइस, फेदर को मैं यहाँ पे नॉर्मली रहना जितना है उतना ही रहना देता, ठीक है। देन ये जो है इसको मैं थोड़ा ऑन कर दूंगा। करने के बाद गाइस अभी अगर मैं अपना वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो गाइस वीडियो अभी देख पा रहे कितना बढ़िया अभी लग रहा है, मतलब वीडियो का जो स्काई है कितना बढ़िया से आपको चेंज हो गया है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इन दोनों ऐप का यूज़ करके अपने वीडियो के अंदर जो स्काई उसको आप चेंज कर सकते हो। अभी आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस वाले शेयर में क्लिक कीजिएगा। देन आपको यहाँ पर देखो जिस भी एक्सपेक्टेशन में आपको अपना वीडियो को एक्सपर्ट करना है वो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तो यार उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो ट्यूटोरियल है आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर आप नए हो तो भाई के चैनल है, सपोर्ट करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय टाटा, नमस्कार।